Now, I invite our patron, Dr. Wangchuk Dorjee Negi ji, to introduce the concept, aims and objectives of this workshop. Pramukh, Pyare ji, Reiki masters, aur Reiki channel ke उसके अध्ययन करने वाले सभी साधक बंधु तथा भिक्षु संघ, तो मुझे अभी जो है वर्कशॉप के बारे में कहने के लिए कहा गया है। तो सामान्यतः मैंने जैसे कल भी कहा था या किस होलनेस जी भी कहे थे कि तथागत बुद्ध का जन्म लगभग आज से 2600 साल पहले हमारे भारत की भूमि पर हुआ था और इसी भूमि पर उन्होंने तपस्या करके साधना करके 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ज्ञान में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। तदउपरांत वो जो है 80 वर्ष तक 35 के बाद 80 वर्ष तक लगातार भारत के इस पवित्र भूमि में क्षेत्र क्षेत्र में जाकर उपदेश धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जब वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे तो उनके संपर्क में विद्वान पंडित लोग भी आते थे, उनकी समस्याएं होती थी उसका वो समाधान करते थे। राजा मंत्री और अनेक कह सकते हैं शिक्षाविद या जो भी हो, वो जो भी तथागत बुद्ध के पास आते थे समस्या को लेकर उसका वो समाधान उसका निराकरण वो करते थे। और यहाँ तक उनके पास कृषक भी आते थे, छोटे लोग भी आते थे, तो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने देखना की तथागत बुद्ध। इसके चलते बुद्धिज्म जो है एक प्रकार से डाइवर्ट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कई प्रकार बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म का कोई एक रूप ऐसा नहीं होता है, बुद्धिज्म के विभिन्न रूप हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार आप लोगों से कहा था, हम लोग यहाँ पर लगभग 100-150 लोग हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, मानव हैं, लेकिन हमारा देखिए स्वरूप रूप आकार भिन्न भिन्न है, आपस में एक दूसरे से कोई नहीं मिलते हैं, अलग अलग है हमारा। हम सब बोलते हैं लेकिन बोलने की शैली हमारी सब सब भिन्न है, कोई भी एक प्रकार से नहीं बात करता है, बोलने की शैली को एकदम को है ना अलग अलग है। जब ऐसा अलग है तो सोचने का तौर तरीका भी निश्चित रूप से अलग अलग हो सकता है, इसको हमको मान के चलना होता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कई प्रकार के लिए जैसे श्रावक ज्ञानियों के लिए श्रावक ज्ञान देशना प्रत्येक बुद्ध, फिर महायान, फिर वज्रयान आदि अनेक देशनाओं का तथागत बुद्ध ने जो है दिया था। तो कभी कभी क्योंकि भारतवर्ष से बौद्ध धर्म जो है लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी से जो है लुप्त प्राय हो गया था, खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। तो एक बात तो मैं बीबीसी सुन रहा था, काफ़ी पहले की बात है, उसमें बीबीसी बता रहे थे कि 14वीं शताब्दी में भारतवर्ष में प्राय बुद्धिज्म जो है बुद्ध को कोई जानते तक नहीं थे, बुद्ध का नाम तक लोगों को पता नहीं था 14th सेंचुरी में, है ना, अशोक तक ये जानकारी नहीं रखते थे। क्योंकि एक प्रकार से संस्कृति में जब परिवर्तन आ जाती है तो ऐसा विलुप्त हो जाता है, ऐसा होना होता है। तो लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश आए, उन्होंने जो है पाली ग्रंथ का अध्ययन किया, बर्मा श्रीलंका में, तो धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म के बारे में बुद्ध के बारे में जानना शुरू किया। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि बौद्ध धर्म जो है कोई आयातित धर्म नहीं है, भारतवर्ष की भूमि से उत्पन्न हुआ धर्म है। और उसी प्रकार जैसे श्रावक ज्ञान भारतवर्ष तथागत बुद्ध के द्वारा उद्देश्य धर्म है, ठीक उसी प्रकार महायान में भारतवर्ष में विकसित हुआ धर्म है, तथागत बुद्ध के द्वारा उद्देशित धर्म है। वही वज्रयान को देखें तो ये भी जो है भारतवर्ष का ही तथागत बुद्ध से ही आया है। उसमें भी मैं जब मैं देखता हूँ, इतिहास में पढ़ता हूँ, तो महायान और वज्रयान का जब मैं उत्पत्ति देखता हूँ तो उसका श्रेय जो है दक्षिण भारत को ज़्यादा जाता है नॉर्थन इंडिया की अपेक्षा। जैसे कि नागार्जुन हो, उसका भी साउथ इंडिया में जन्म होता है, साउथ इंडिया में जन्म। और फिर वज्रयान की देशना अमरावती धान्य कटक में जो है अमरावती है, हैदराबाद में पड़ता है, अमरावती में जो है कालचक्र की देशना तथागत बुद्ध ने जो है अमरावती में धान्य कटक में दिया था।
तो आप देखते हैं कि आपके महाराष्ट्र में देखिए विश्व विख्यात अजंता है आपका, एलोरा है, कैनरी केव जो मुंबई में है वो तो हिस्टोलिनस दलाई लामा जी कहते हैं कि 84 सिद्धों का साधना का सतल जो है मुंबई वाला कैनरी केव, जहाँ पर 60-70-80 केव गुफाएँ हैं वहाँ पर जो है सातल को जो है साधना करते थे। 84 सिद्धों की साधना का तत्व जो है वज्रयान दर्शन था, उन्होंने वज्रयान दर्शन की साधना की थी, क्योंकि वज्रयान दर्शन ही एक प्रकार से बोधों में जैसे स्कूल के दृष्टि से देखा जाए वैभाषिक स्कूल है, स्वतंत्र स्कूल है, विज्ञानवाद है और फिर माध्यमिक दर्शन है। दर्शन के चार प्रस्थान हैं बौद्ध धर्म में जो है वैभाषिक, स्वतांत्रिक जो जो है वस्तुवादी है सब्सटेंशलिस्ट माना जाता है, फिर दूसरा विज्ञानवाद है आदर्शवाद के, फिर चौथा जो है माध्यमिक दर्शन है, दर्शन की दृष्टि से देखा जाए माध्यमिक दर्शन है। और यानों की दृष्टि से देखा जाए बौद्ध धर्म में श्रावक यान है और फिर महायान है और वज्रयान आता है। श्रावक यान की दृष्टि से भी अगर देखा जाए ना, श्रावक यान में 18 स्कूल थे, थेरवाद था तो महासंगिक था तो सर्वास्तिवाद था, मूल सर्वास्तिवाद आदि अनेक स्कूल थे, थेरवाद के अंतर्गत भी 18-18 निकायें थी, 18-18 स्कूल थे। और फिर महायान के भी अनेक स्कूल हैं, फिर उसी प्रकार आगे जाकर वज्रयान के भी जैसे क्रिया तंत्र है, चार्य तंत्र है, योग तंत्र है, अनुतर योग तंत्र है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है हम ये मानते हैं कि वज्रयान का अनुतर तंत्र या हम कह सकते हैं कि महामुद्रा दर्शन है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि कभी कभी हम लोगों को, क्योंकि भारतवर्ष में बौद्ध परंपरा लुप्त हो गया है, वज्रयान या महायान जैसे का सुनने तक हम लोगों को नहीं मिलता, इस दृष्टि में से कभी ऐसा लगता है कि कहीं बहुआयातित या वैटन धर्म दर्शन तो नहीं है या चाइनीज बुद्धिज्म तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वज्रयान जो है भारतवर्ष का दर्शन है, उसमें भी जो है मैं समझता हूँ इसका प्रचार प्रसार जो है आपके महाराष्ट्र में ज़्यादा, आपका औरंगाबाद में केव देखिए वहाँ बोधिसत्वों की केव है, वज्रपाणी है, वो तो वज्रयान दर्शन से ही संबंधित है ना। तो इसलिए जो है ये हम सबको जो है ये सोचना चाहिए, अहोभाग्य है निश्चित रूप से वज्रयान दर्शन जैसा चरम उत्कर्ष जो बौद्धों का साधना पद्धति है उसको अध्ययन करने का अवसर मिला है। जब मैं वज्रयान को गंभीरतापूर्वक देखता हूँ तो क्योंकि वैसे भी वज्रयान के सर्वश्रेष्ठ दर्शन में चरम उत्कर्ष अवस्था होने के कारण श्रावक यानी यानियों में जब आप देखें तो थोड़ा बहुत वहाँ पर पुरुष और महिलाओं का भी भेद रहता है। कभी कभी श्रावक यानी भी ये कहते हैं कि महिलाएं बुद्ध नहीं बन सकती है, अर्हत तो बन सकती है, क्योंकि थेरी गाथा को आप पढ़ेंगे कई महिलाओं ने जो है अर्हत शिव को प्राप्त किया है, तो लेकिन वो ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि महिला बुद्ध बन सकते हैं। लेकिन वज्रयान में ऐसा नहीं है, वज्रयान में जो है पुरुष और महिला का कोई भेदभाव नहीं, सभी जो है बुद्ध बन सकते हैं, क्योंकि वज्रयान दर्शन जो है शारीरिक एक्टिविटी पर, शारीरिक कार्यकलापों पर जोर नहीं देती है। वज्रयान जो है, वज्र क्या है, हमारा प्रिमोडियल माइंड की वजह है, प्राकृतिक प्रवास और विचित है ना, वो प्रिमोडियल माइंड जो है वो ही वज्र है। वज्र का अर्थ क्या है, प्रज्ञा और उपाय का अभिन्न है, प्रज्ञा और उपाय, प्रज्ञा मीन्स विस्डम है, विस्डम मीन्स क्या है एम्प्टीनेस को समझना जो है प्रज्ञा पक्ष है, उपाय पक्ष क्या है करुणा, करुणा कहें या बोधिचित कहें, बोधिचित और प्रज्ञा का समन्वय रूपी वज्र है। ये हमारा प्राकृतिक अवस्था है, ये हमारे में है, हमारे चित्त में, क्योंकि जैसे कि आम के वृक्ष को पेड़ का होने में आम का बीज होना चाहिए, जो वृक्ष में जो गुण है वो बीज में होना चाहिए, आम के बीज में, आम के सीड में नहीं हो तो फिर वृक्ष में आम कहाँ से लगेंगे, नहीं लग सकता है ना। सेब के बीज से, सेब सेब के सीड, एप्पल के सीड से आम का ट्री ग्रो नहीं कर सकते हैं, आम के लिए आम बीज सीड होना चाहिए, एप्पल के लिए एप्पल का, उसी प्रकार हमको बुद्ध बनना है तो बुद्ध का सीड हमारे में होना चाहिए ना, बुद्ध बनने की पोटेंशियल हमारे अंदर होनी चाहिए ना, बुद्ध बनने की पोटेंशियल हमारे में है, प्राणी मात्र के अंदर बुद्ध बनने की जो है क्या है
पोटेंशियल है ना, सामर्थ्यता, वो क्या है, वज्री वज्र वाला, वो वज्र क्या है, प्रज्ञा और उपाय का संबंध रूप जो है वो जो चेतना है वो वज्र है, वो हमारे उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेद न पुरुष न क्षत्रिय न जात न पात, किसी भी प्रकार का भेदभाव के प्रिमोरियल मानिए, वज्रयान में आकर के देखेंगे तो कहीं कोई भी अंतर किसी भी मनुष्य की बात ही छोड़ दीजिए, प्राणी मात्र में ये कहा जाता है कि भूतत्व की व्याप्ति है, प्रिमोरियल माइंड की व्याप्ति है, तो वो वज्र की व्याप्ति है, उसको जो हमको जागृत करना है। ज्ञान क्या है, तो उस वज्र को जो है हमको जो है रियलाइज करना है, वज्र डिवाइनिटी है, डिवाइन। कभी कभी मैं जब देखता हूँ ना तो ये लगता है जैसे हम लोग हिंदू दर्शन वगैरह में ऐसा शब्द का प्रयोग, हम सब में परमात्मा का अंश है कहते हैं, मैं सोचता हूँ ओके बिल्कुल मान लिया जाए परमात्मा का अंश, इस अंश में मानना चाहिए कि मैं परमात्मा का अस्तित्व को नहीं मानता हूँ, कि परमात्मा में एक परमात्मा उसका अस्तित्व मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा होता नहीं, आकाश की तरह एक हो उसका हम अंश हो ये नहीं मानता हूँ, हम सब परमात्मा है, हम सब क्या है, सब परमात्मा है, हम सब में परमात्मा प्राप्ति करने की क्षमता है, हम परमात्मा का अंश नहीं है, हर एक के अंदर परमात्मा है, हर एक के अंदर बुद्ध है, हर एक व्यक्ति जो बुद्ध बन सकता है, इस अर्थ में अगर ले तो एक प्रकार से यही हो जाता है परमात्मा का अंश, यानी हम सब बुद्ध हैं, हम सब बुद्ध बन सकते हैं, वो एक। दूसरा देखिए, जो क्रिएटर को मानते हैं, सृष्टिकर्ता को मानते हैं, वो बोलते हैं कि गॉड ने क्रिएट किया, हम गॉड के सन हैं, गॉड के सन हैं, तो गॉड के अंदर जो क्वालिटी होगा वो सन के अंदर भी तो होना चाहिए, पिता के अंदर जो गुण होगा वही पुत्र के अंदर भी तो होगी ना, तो इस दृष्टि में देखा जाए तो हम सब ईश्वर के सन हैं, तो हम सब ईश्वर बनने के योग्य हैं, योग्य होना चाहिए, हमारे बौद्ध दृष्टि से जब हम व्याख्या करेंगे इस अर्थ में अगर आप समझते हैं तो ये सब चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर क्रिएटर के द्वारा हम शैतान या ये है वो ये है परमात्मा, ये व्याख्या आपको मान्य नहीं है, हम लोगों को इंटेलेक्चुअल लेवल पर सोचना है। मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि वज्रयान दर्शन जो है हमारे प्रिमोरियल माइंड पर एम्फोसिस करती है, वो डिवाइन है, वो दिव्य है, इसी के चलते हम अपने को जो है देवता के रूप, वैश्य गुरु के रूप में हम अपने को उत्थापित कर सकते हैं, हम अवलोकेश्वर के रूप में हम अपने को उत्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अवलोकेश्वर हमारा स्वरूप है, वैश्य गुरु हमारा स्वरूप है, इसलिए बन रहे, ये नहीं कि हम अवलोकेश्वर नहीं, हम अपने को अवलोकेश्वर के रूप में उत्थापित कर रहे हैं, डाउन नहीं, फॉल्स नहीं है, मिसकंसेप्शन नहीं है, है? उसी को रिवेल करना, अगर इस चीज़ को अगर आप जाने क्योंकि रैकी का तो मैं जानकार हूँ नहीं, रैकी में भी तो आप एनर्जी की अस्तित्व को मानते हैं, एनर्जी के फॉलो को मानते हैं, अगर एक प्रकार से वज्रयान का जो वज्र है वो एनर्जी ही तो है, सूक्ष्म प्राण वायु एनर्जी ही तो है, एनर्जी से एनर्जी का कम्युनिकेशन करना है, एनर्जी से एनर्जी का डायलॉग करना है, जब आप अपने एनर्जी के वेव को किसी दूसरे पर प्रयोग करते हैं तो उस समय यदि आप डिवाइनिटी को अपने को डिवाइन एनर्जी से उत्थापित होकर के अवलोकेश्वर करुणा में होकर के अगर आप एनर्जी को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ वो प्रभावकारी हो सकता है, जैसे कि ना जो मैग्नेटिक ग्लास जो होता है ना, मैग्नेटिक ग्लास में वो क्षमता है कि सूरज के ताप को जो अपने में एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो जला देता है, सामान्य ग्लास नहीं करता है, सामान्य सूरज का जो तेज जो है यहाँ नहीं पड़ता है ना, वो अगर लगा देते हैं तो प्रभावशाली होता है, उसी प्रकार एनर्जी को अपने में कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी को अपने में समाहित करने के लिए अगर आप जो डिवाइन रूप में उत्थापित होते हैं, मैं समझता हूँ एनर्जी कलेक्ट हो सकता है, एनर्जी वेव जो है आप जो फोर्सफुली जो है कॉन्वे कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस अगर इस एनर्जी रूपी डिवाइनिटी को अगर नहीं माने तो फिर रैकी कैसे डायलॉग हो सकता है, रैकी का प्रभाव जो है संभव नहीं हो सकता है, ये कोई फर्स्ट कंसेप्शन मिसकंसेप्शन नहीं है, मैं समझता हूँ ये रियलिटी है, क्योंकि वज्रयान ग्रंथों में आप देखेंगे ना बॉडी के बारे में जब बात करते, एक हमारा ये ग्रॉस बॉडी होता है जो अनबॉडी है,
है ना। इससे हम जब सेटल बॉडी में जाते हैं तो स्वप्न बॉडी है, स्वप्न में भी बॉडी होती है, हम हवा में उठते हैं इधर उधर जाते हैं स्वप्न बॉडी कहलाता है। उससे भी सेटल जब बॉडी होता है तो इंटरमीडिएट बॉडी करके सिर्फ योगा और नाटवाद इंटरमीडिएट बॉडी की बात करके, ये ग्रोथ बॉडी जो है जब छूट जाता है तो सूक्ष्म एनर्जी वाला बॉडी जो है हमारे शरीर से बाहर निकलती है और वो बॉडी जो है सूक्ष्म बॉडी रहता है। कभी कभी ये जो है हम गाँव में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तुरंत किसी में प्रवेश होकर के वो सब एक्टिविटी करने लगता है, बातचीत करने लगता है। वो क्या है कि वो सूक्ष्म प्राणवायु वाला जो सेटल बॉडी है, इंटरमीडिएट बॉडी है, वो जो है व्यक्ति में प्रवेश होकर के काम करती ही है ना। ये उसके बाद जो है वजर बॉडी करके है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। वो क्या है सबसे सेटल जो वजर बॉडी जो कहलाता है, तथागत बुद्ध का बॉडी जो है वजर बॉडी। मैं तो ये मानता हूँ कि बुद्ध आज भी है, ऐसा मेरा मानना है। बुद्ध का एनर्जी बॉडी जो है आज भी है, मैं बुद्ध का एनर्जी बॉडी के साथ हमारा सूक्ष्म एनर्जी बॉडी है उसके साथ हम इम्बाइब होकर वनस होकर आत्म साथ होने का हम चेष्टा करते, उनसे ब्लैसिंग हम प्राप्त, हम भी एनर्जी बॉडी के रूप में हमको उत्थापित करके तथागत बुद्ध का जो एनर्जी बॉडी रूप हमारे सामने उससे हम ब्लेसिंग प्राप्त करके काय से काय अभिषेक करते हैं, वाक से वाक अभिषेक कर होते हैं और चित से चित अभिषेक। जैसे कि कल वैशिष्टी गुरु का हम आप लोगों ने लिया, वैशिष्टी गुरु का अस्तित्व है तभी तो आपको जो ब्लेसिंग कर रहा है, काय को ब्लेसिंग कर रहा है, वाक को ब्लेसिंग कर रहा है, चित्त को ब्लेसिंग कर रहा है। इसी प्रकार इसका अगर बुद्ध बनने के बाद नन्नस हो जाना हो, खत्म हो जाना हो चारवाक की तरह, फिर तो कोई अर्थ नहीं रहा है ना। होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए अनंत, ये कॉस्मोलॉजी है ब्रह्मांड है तो उसका अस्तित्व होता है। वजरयान दर्शन इन्हीं सब चीज़ों को जो है व्याख्या करता है निश्चित रूप से। तो फिर आप लोगों को जो है अपने को यही अहोभाग्य समझना चाहिए, निश्चित रूप से तथागत बुद्ध के द्वारा प्रदर्शित 84 सिद्धों के द्वारा प्रदर्शित, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो प्रदर्शित धर्म दर्शन लुप्त हुआ था कुछ वर्षों के लिए है ना, 400-500 साल तक, आज वो सर्वाइव हो रहा है। उसको साधना करने का, उसको अध्ययन करने का, नागार्जुन से डायलॉग करने का अवसर मिल रहा है, सरापात के शिक्षाओं को ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है, इसका अनुभूति हम लोगों को होना चाहिए, है कि नहीं। हम जो साधना कर रहे हैं बुद्ध की साधना कर रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं 84 सिद्धों की साधना कर रहे हैं, 84 सिद्ध आज भी होते यही बात कहते, दूसरा बात कोई थोड़ी कहने के लिए उनको होता है, उनके ग्रंथों में जो लिखा है वही तो कहेंगे ना, वही कहे होंगे, वही हम कह रहे हैं। तो इसलिए जो है पुनः मेरा, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तो यही कहूँगा कि हम सबको जो है अपने को, देखिए 7 बिलियन पीपल हैं उसमें देखिए हम लोग कुछ लोग हैं क्योंकि वदनयान जैसे उत्कृष्ट साधना का जो हम लोग साधना कर रहे हैं, ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अगर इसको हम जीवन में उतारें तो मैं समझता हूँ हमारे अपने पाप, हम समाज की सेवा कर सकेंगे, हम अपना गीत कर सकेंगे इन शब्दों के साथ। आपको धन्यवाद।